राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। माघ का महीना जो है ना शुरू होने वाला है, 25 जनवरी से जो है ना माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो माघ के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो घर गृहस्थी तो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, वो लोग जो है ना माघ के महीने में एक महीने का तीर्थों में जाकर कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कल्पवास का मतलब ये होता है कि पूरा एक महीना किसी भी तीर्थ में रहकर नदी में ही स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की जो है ना आराधना करते हैं। तो इससे कहा जाता है कि हमें जो है ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये माघ का महीना वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छे अच्छे काम इसमें आप शुरू कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं या किसी देवी देवता की आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप घर में ही रहने वाले हैं तो मैं जैसे आपको पूजा विधि बता रही हूँ वैसे आप कीजिएगा। अगर आप बाहर जाकर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक महीने जो भी आपको तीर्थ पसंद हो, जहाँ पर आपकी रहने खाने की सुविधा हो, उस तीर्थ में जाकर आप नदी के किनारे स्नान करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। और देखिए, जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से जो है ना आपको दान पुण्य करना है। तो माघ के महीने में जो है ना रोज़ हवन करने का भी महत्व है। भगवान विष्णु के नाम का अगर आप रोज़ हवन करते हैं और दान पुण्य करते हैं तो इससे जो है ना आपके जीवन में बहुत अंतर भी आता है और स्वर्ग की प्राप्ति तो आपको होती ही होती है। भगवान के निकट आने वाला ये महीना माना जाता है, मतलब अगर आप भगवान के नज़दीक आना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, तो इस महीने में उनकी आराधना ज़रूर कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा जो है ना इस महीने में होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है जैसी आपकी सुविधा हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। अपने हिसाब से, अपनी घर गृहस्थी के हिसाब से जो है ना देख लीजिएगा। सुबह जल्दी उठकर जो है आपको भगवान विष्णु की पूजा करना है। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से चौकी बिछा कर भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये पूजा जो है ना आपको पूरे माघ के महीने में करनी है। तो जैसी आपकी सुविधा हिसाब से आप इस पूजा को कर सकते हैं, तो चाहे चौकी बिछा कर कीजिए, चाहे अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, भगवान विष्णु का पीला वस्त्र जो है ना बहुत प्रिय है, तो हो सके तो मंदिर में आप पूरे महीने जो है ना पीले कलर का ही कपड़ा बिछाएं, उस पर चावलों का आसन दे दीजिए। भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजिए, अगर तस्वीर नहीं है तो मूर्ति है, जो भी आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो है उन्हें आप रखकर उनका पूजन कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या है, दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस पूजा में आप तिली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो एक दीपक आपको अलग से जलाना है, जैसे कि आप माघ के महीने की पूजा कर रहे हैं तो आपको एक दीपक अलग से जलाना होगा। हम नित्य पूजा में एक दीपक अलग से जलाते हैं आरती के लिए, तो वो आपको अलग जलाना है। माघ महीने की पूजा का दीपक आपको अलग से जलाना है। आप समझ गए होंगे ना जो मैं कहना चाह रही हूं आपसे। तो इस तरह से दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद दीपक का सबसे पहले आपको पूजन करना है, उसके बाद जो है ना भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है। तो भगवान विष्णु की अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी, चार बार आपको जल घुमाकर आपको भगवान को स्नान करवाना है। अगर आप लड्डू गोपाल का पूजन कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल को आपको पूरा शंख से उन्हें स्नान कराना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। शंख नहीं है तो केवल तांबे के लोटे में जल भर करके भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो सारा सिंपल पूजा होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माघ के महीने में आप सुबह जल्दी उठिए और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, सरल साधारण तरीके से भगवान को रोज स्नान करवाना है, उसके बाद चंदन का तिलक लगाना है, उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, उसके बाद जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ रोज चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पहले दिन आप पूर्णिमा के दिन, जब 25 जनवरी को आप इस पूजा की शुरुआत करेंगे, उस दिन केवल आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। उसके बाद 2-4-5 दिन के अंदर में आप बदल सकते हैं, लेकिन रोज जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कलावा रूपी वस्त्र जो है ना आपको रोज चढ़ाना होता है। तो इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिया है, क्योंकि ये दिन, ये पूजा का पहला दिन है और 25 जनवरी से जो है ना माघ का महीना शुरू हो रहा है। इस दिन आज एक महायोग भी है, गुरु पुख्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। तो अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा दिन है। आप 25 जनवरी से जो है ना कोई भी काम जो है ना बिना सोचे समझे कर सकते हैं, आपको निश्चित जो है ना सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद तिली की कोई भी मिठाई का भोग लगा दीजिए, क्योंकि माघ का महीना है, माघ में जो है ना तिली ही प्रधान होती है, तिली से बनी हुई चीजों का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद इस भोग में मैंने तुलसी चढ़ा दी है। इसके बाद आपको आरती करनी है।
से पहले रोज आपको भगवान विष्णु के नाम का हवन करना है। और हवन कैसे किया जाता है अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मैं एक छोटा सा अलग से वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आपको आरती करनी है, फिर जल का आचमन करना है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।